में से सरकार आया है। सरकार अंदर बुलाइए। अरे जब मैं कॉलेज में थी ना तो मुझे भी एक प्रोफेसर से हो गया था। नमस्कार मानसी, नमस्कार। हमको पहचाना, हम तुमको फेलोशिप भी पढ़ाया। प्रोफेसर सरकार, हाउ कैन आई फॉरगेट यू। आइए आइए ना, आइए आइए आइए, मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करा दूं। वो मेरी आंटी है, ये मेरी सहेली मीनाक्षी है, वो आयंगर साहब है, और ये मिस्टर शमशेर सिंह। नमस्कार शमशेर सिंह, आप यहाँ? मेरा मौका है आपसे मिलकर, बहुत बहुत खुशी हुआ। वेरी प्लीज टू मीट यू। माय प्लेजर, माय प्लेजर, माय प्लेजर। शमशेर सिंह साहब आज ही अचानक अफ्रीका से आए हैं। क्या करूं, दान भैया की अचानक बात सुन के मुझे आना ही पड़ा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बेचारा दान। और ये धोखेबाज दुनिया, उसको रोश नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर साहब, बड़ी धोखेबाज दुनिया है। अभी आप यकीन नहीं करेंगे, कल ही एक धोखेबाज मेरा हस्बैंड बनकर आ गया। नो, यकीन करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन उसे देखते ही मेरी आत्मा ने मुझे चौंकन्ना कर दिया कि ये वो नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे बहुत ही व्रता स्त्री को कौन धोखा देने शौक है। और वो भैया कहाँ है? रिवर में सिंक कर गया बेचारा। चलो चलो, पापी को पाप का सजा मिल ही गया। आंटी आप कहाँ चल दी? भाई मेरी तो सैर का वक्त हो गया है, मैं तो जा रही हूँ। अभी हमको भी ऑफिस जाने का जी, हम फिर बाद में आएगा। अरे अभी आप कहाँ जा रहे हैं? चलिए मैं आपको वो जगह दिखाऊं जहाँ उस तेंदुए के कपड़े मिले थे। तेंदुआ? ये तेंदुआ क्या हुआ? अरे चलिए तो सही, चलिए। शमी जाने, चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखा दूं। कमरा? एक्सक्यूज। बाल्टी, बाल्टी क्या नया गुल खिलाया है? शमशेर है, अचानक अफ्रीका से आन तपका है। ओहो, ये तो मैंने भी देख लिया है। देख लिया ना, तुम कहते थे कि वो मर चुका है। मुझे तो पूरा यकीन है कि वो मर चुका है। आसमान से आ टपका है क्या? तुम्हारा मतलब है सारी दौलत जायदाद ये ले जाएगा? और आया किस लिए? ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तुम्हारा मरना भी बेकार गया। देखो डाले, मुझे तो जितनी बार तुमने मरने के लिए कहा मैंने सिंसियरली मर के दिखा दिया। अब अगर हिम्मत है तो इसे मार के दिखाओ। शर्म करो दान, क्या मैं सचमुच में मर रही हूँ? तो फिर क्या करें, बताओ क्या करें? वही तो सोच रही हूँ। नहीं बाबा नहीं, अब मैं तुम्हारा हर किस नहीं मारूंगा। अब तो मैं मारूंगी नहीं, अब तो तुम्हें जिंदा करूंगी। अरे लेकिन मुझे तो पैदा करने वाली भी अब इस दुनिया में नहीं रही। तालिम सुनो, जब सारा जाता देखिए तो आधा भी जो बात। क्या मतलब? का मतलब है मैं शमशेर को सारी बात बता दी जाए, कहा जाए जो कुछ मिलेगा उसका आधा आधा बांट लेते हैं। तुम्हारा ख्याल है वो मान जाएगा? नहीं मानेगा तो धमकी दे के बनवा लेंगे। दान अभी मरा नहीं बल्कि जिंदा है, उसे पता चलेगा कि तुम जिंदा हो और दौलत के हकदार अपने आधे हिस्से से भी ज्यादा रहेगा। वाह वाह डार्लिंग वाह, क्या आइडिया है। आइए आइए शमशेर साहब, मैं आप ही को देख रहा था। मुझे क्यों? अरे ये मालती जी को क्या हुआ? शमशेर भैया आपसे एक कन्फेशन करना है। हाँ बोलिए ना। मेरे दिल पे एक बहुत बड़ा बोझ है। जानता हूँ, नहीं जानते। अच्छा बताइएगा तो रोड डाल जाऊंगा। बात यह है कि इस घर में ना जाने कौन किसी का भेद बना के आ गया है। अब चौक में सुनते चौक नहीं की तो बात ही है। अरे अरे अब घर कहाँ जा रहे हैं? वो दरअसल ये है शमशेर साहब कि वो आदमी दरअसल यहीं यहाँ है। तो हम चाहते हैं कि ये बहुत भी बस यूं ही तक रहे। तो क्या
आप दोनों को पता चल गया? अच्छा देखिए, अब आप लोग क्या चाहते हैं? अरे हमने क्या चाहना है, हम तो बस यही जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं। देखिए मैं क्या चाहूंगा, मैं तो बस यही चाहूंगा कि बात यहीं की यहीं दब जाए, तो वही अच्छा रहेगा। शमशेर भैया, घर की बात घर ही में दब जाए, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है? मैं यही कह रहा था। वैसे यकीन मानिए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने तो वही किया जो। नो 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 नो, हम आपको तो रात ही भर भी कसूरवार नहीं ठहरा रहा। दरअसल दरअसल ये सारा आइडिया तो हमारी श्रीमती जी का था, जो मैं श्रीमती जी शमशेर भैया, बात ये थी, दान और मैं बेइंतहा कर्जे में फंसे हुए थे। मैंने सोचा दौलत सीधी की सीधी ले ली तो कर्जा चुकाते चुकाते फिर खाक हो जाएंगे। बस मैंने दान से कहा कि तुम झूठ मूठ के लिए मर जाओ। तो आप दान हैं? जी हाँ, मैं ही दान हूँ। और आप भी वही आदमी है जो इस घर में किसी और का भेस बना के घुसा है? जी हाँ, मैं वही आदमी हूँ। अब तो सारी बात साफ हो गई। बेशक बेशक। अच्छा आप ये बता सकते हैं कि इस बेहुदा हरकत का मतलब? वो अभी बताया ना मालती ने आपको कि हमें ये खबर मिली थी, मेरा मतलब है हमें गलत खबर मिली थी कि आप भगवान को प्यारे हो। भगवान को प्यारे, बस इसलिए कल मैं आपके भेष में यहाँ आ गया। और जब कल आपके भेष में यहाँ आए और इन्हें पता चला कि इनको सारी दौलत हासिल करने के लिए एक एक्स्ट्रा बीवी संभालनी पड़ेगी, तो बेचारे के लिए फिर से मर जाने के सिवा और कोई चारा नहीं। और जैसे ही मेरे मरने से बात कुछ समझी थी कि ऊपर से आप ऑन टॉप के सारा मामला ही चौपट कर दिया। ये आप मुझसे कह रहे हैं क्या? इनकी बात मत बचाइए, सोचिए शमशेर भैया कितनी दौलत मिलेगी आपको। दौलत तो मिलेगी, आप लोगों को इससे क्या है? सोच रहे थे कि कुछ आधा 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 मुझे क्या पड़ी है तुम लोगों से आधा आधा करने की? देखो शमशेर भैया, ये मत कहना, मैं जरूर कहूंगा। दोबारा मत कहना। आधा आधा पूरा ही क्यों नहीं मान रहे थे तुम? मुझे 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 तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, समझे? झगड़े से क्या मिलेगा? तो गलत है शमशेर भैया, ये क्यों नहीं समझते कि दान अभी मरा नहीं है बल्कि जिंदा है, और जिंदा होते ही तमाम दौलत का हकदार होगा। आप अपने आधे हिस्से से भी जाते रहेंगे। वाह, फिर से जिंदा होते क्या उसे कोई शर्म नहीं आएगी क्या? आप लोगों को तो बस अपनी ही पड़ी है, किसी और का भी तो सोचिए। अफ्रीका से आया हूँ, कितने पैसे खर्च करके आया हूँ, और मेरा भी तो सोचिए आप लोग। तभी तो कह रहे थे शमशेर भैया जो कुछ आधा आधा बांट लेते, आधा आधा ही आधा आधा। अच्छा ठीक है, अगर मैं आधा आधा करने के लिए मान जाऊं तो क्या तुम वायदा करते हो तुम जिंदगी भर मुर्दे रहोगे? हाँ बोलो। मैं वादा करता हूं कि जब तक जिंदा हूं मुर्दा रहूंगा। तो फिर ठीक है, आधा 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 आधा। थैंक यू सो मच शमशेर भैया, थैंक यू वेरी मच। भाभी जी एक मिनट, प्लीज एक्सक्यूज मी। अपने तैयार करता है वैसे पैसे मिलेंगे। पैसे? हमारे कितने पैसे यार? 200। 200? हाँ तो, अरे 100 सही नहीं, 100 यार और नीचे आओ ना, 25। ऐसा है, अब ये 10 रुपए रख लो, बाकी बाद में देख लेंगे। 10? चलो यार ठीक है, ठीक है ना? चलो यार ठीक है, अब तो हम पार्टनर है ना। वैसे जो भी कहो यार, मजा आया। अजी हम भी तो सुने जी, अभी किस बात पे इतना हंसी आता आप लोगों को? हमारे वैसे सरकार है ना, इन्होंने एक बहुत बढ़िया गीत सुनाया। अच्छा, हमको मालूम है जी, ये बहुत सुपर रिश्ते में, अभी ये देखने में वैसा नहीं है जी जैसा नजर आता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। अच्छा देखिए, जरा मुझे देर हो गई है, मीनाक्षी जाग गई होगी, मैं जरा 2 मिनट हुए हूँ। शमशेर भैया शायद बाग में आपका इंतजार कर रही है। बाग में जी? माले दीदी, अभी यात्री कैसे हम सारा का सारा इंफॉर्मेशन
से निकटक है जी। अभी हम जायदाद का सारा पेपर कंप्लीट किया, अभी सारा फॉर्मेलिटी पूरा होने के बाद में हम ये पूरा का पूरा रकम उसका असली वारिस को देने सकता है। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अभी ऑफिस से मिलने का है, उसके बाद में हम सारा फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर सकेगा। कैसा रहेगा? अभी आप देखिए ना जी, अभी माफ कीजिएगा। अरे अभी तो आप बाद में गए थे ना? गया था, देखिए मैं अभी आया हूँ, मैं मिसेस दान से मिलना चाहता हूँ। और भाई कितनी बार मिलेगा? देखिए मैं शमशेर सिंह हूँ, शमशेर सिंह और कंपाला। अरे वही ढाक का तीन, हम जानता है कि तुम कौन है। अरे सच मानिए भैया, आपका वाइफ आपके साथ बाद में इंतजार कर रही है। मेरी वाइफ यहाँ? क्या मजाक है, मुझे लगता है याददाश्त खोने का दौरा पड़ा है। अयो, अरे ये बात तो उनको पहले ही समझ जाना चाहिए था। ओ यश बेचारा, देखिए मुझे तो आप सब लोग कुछ अजीब अजीब से लगते हैं। इनकी हाँ में हाँ मिलाते जाओ। देखिए देखिए मैं शमशेर सिंह और कंपाला और मैं मिस्टर आयंगर से मिलने आया। देखिए मैंने उसे तार भी भेजा था। हाँ क्या लगा थे आप लोग, सब लोग पागल तो नहीं होते? पहले कभी नहीं देखा। बड़ा अफसोस का बात है बेचारा। आप पक रहे हो? कुछ नहीं बोला जी। शमशेर भैया मैं मानती हूँ आप है मिसेस दान। ठीक हो रहे शमशेर भैया, तबीयत कैसे है? मुझे इतने सालों बाद देख के तुम्हें बिल्कुल खुशी नहीं हुई? हे भगवान, मैं क्या हो गया? खुशी? मैं तो मारे खुशी के पागल हो रही हूँ। पागल? पागल 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 पागल। मीना तुम इन पागलों के चंगुल में कैसे फंस गई? मेरा तो यहाँ पर फिर चका। आओ मैं दबा। स्ट्रेट भी तो पढ़ा है बेचारे को। आप पक रहे हो मिस्टर? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं कहता हूँ सब पागलों को यहाँ से निकाल, सब पागलों को निकाल। आप लोग प्लीज जरा चले जाइए, मैं इन्हें संभाल लूंगी। मुखी जी वो डॉक्टर से बता हूँ, निकल जाओ यहाँ से। अब मुझे कुछ तो समझाओ यहाँ क्या हो रहा। तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। क्या अच्छे लोग? मेरा सिर क्यों दबाए जा रहे? ठीक हो जाएगा जाने, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? यहाँ के तो नौकर चाकर तक पागल। जानती हो दरवाजे पे नौकर मिला, उसको मैंने अपना नाम बताया, कहा कि अंदर खबर कर दो। जानती हो उसने क्या कहा? दो मिनट तक पागलों की तरह मुझे घूरता रहा, फिर नाक चढ़ा के बोला अब यहाँ क्यों आन मरे, भाग जाओ असली अंदर बैठा है। पूरे तीन दिन से सफर कर रहा हूँ मीना, थका मानता यहाँ पहुंचता तो कोई मेरी बात नहीं। समझ जाएंगे जानी, सब समझ जाएंगे। तुम थोड़ी देर आराम कर दो, मैं सबको कह दूंगी तुम्हें यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और सुनो, अगर वो चश्मी यहाँ आ गया तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगी। नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, बस तुम आराम से देखो। नहीं देखो हेलो आयंगन एंड कंपनी। देखिए मैंने आपको तार भेजा था, मैं हिंदुस्तान पहुंच गया हूं। जी हाँ जी हाँ। अरे कहाँ गए? अरे बहुत भारी दौड़ा पड़ा लगता है। अब भाई देखो कहाँ चले गए। क्या अटैक पड़ गया जी? तो तुमको तो मारे गए तो मैं जाकर देखता हूँ। प्रोफेसर सरकार आप वहां ना जाइएगा, आपसे बहुत नाराज है। कह रहे थे कि चश्मुद्दीन सामने आ गया तो गर्दन।
शमशेर भैया, आपकी तबीयत कैसे है? तबीयत टॉप ऑफ द वर्ल्ड मालती जी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, कहाँ चले गए थे? और डार्लिंग, तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैंने मीरो से चलो अच्छा ही है, भूख दबा के लगी है। दौरे का बात तो इसको बिल्कुल नहीं याद रहा जी। हे मिस्टर आयंगर, ये आप मेरी तरफ इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। मीनाक्षी, तुम मुझे घसीट तो रही हो, और यहाँ बैठो मेरे कंधे से। अच्छा बाबा, अपने आप ही बैठ जाओ। बैठ जाइए जी, आप काफी थका हुआ नजर आता। नो 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 मिस्टर आयंगर, मैं बिल्कुल थका वका नहीं हूँ, समझे? सही, बैठ तो जाओ। ओके, आराम मिला? बिल्कुल नहीं। तो थोड़ी देर सो जाओ। सो जाओ, ये सोने का कौन सा वक्त है? और ये सिर क्यों दबाई जा रही हो तुम? तो तुम सब लोग को हो क्या गया? मजेदार बात सुना। मजेदार बात सुना? कभी कहती है सो जाओ, कभी कहती है मजेदार बात सुनाओ। तुम सब लोग कुछ पागल हो गए हो क्या? कोई मजेदार सी बात सुनाइए ना। मजेदार सी बात सुनाइए ना, नहीं सुनाता मैं तो सोऊंगा। अब हम लोग बाहर चलें, इन्हें थोड़ी देर आराम करने दो। आइए। बेशक ये खोजने का कोई बात नहीं है। दीदी, एहतियात के तौर पर मैंने बाहर दरवाजे पर मौली को ढूंढा लेकर खड़ा कर दिया। मेरी देवी के जान, आपको लायन हेलो। मैंने आपको तार भेजा था, मैं शमशेर सिंह बोल रहा। जी हाँ, अच्छा, हाँ जी, ठीक है जी। एक नहीं, दो दो शमशेर सिंह हैं। क्या? हाँ, दो शमशेर सिंह। हाँ, लेकिन ओ नो दास, हमारे 10 रुपए भी गए। ओह, मुझे तो ये भी नहीं याद कि उन दोनों में से जिए किसको थे। डालेंगे गाजी आया है। ना बाबा ना, अब मैं जीते जी हर किस नहीं मरूं। डालेंगे, तुम्हें मारूंगी नहीं, तो तुम्हें जिंदा करूंगी। अरे जिंदा रहने से क्या फायदा बताऊं? इधर आओ। पुराने अपने पहनकर बुखाए हुए से अपने असली रूप में वापस आ जा। ये मेरा असली रूप है? हाँ, दान का असली रूप। बुखाया हुआ था, पागल था, घबराया था। मरे नहीं थे, मगर तुम्हारी आवाज खो गई थी। फिर ठीक है, आकर आहिस्ता आहिस्ता तुम मुझे पहचानने लग जाना। यानी कि दान तो वापस, सारी दौलत जायदाद तुम्हारी, और ये सारे दावेदार ठंड उबाल करके घरों में वापस। ठीक है डाले, देखो एक बहुत अच्छी स्कीम है, वो लोग शायद यहीं आते होंगे। चलो यहाँ। पहले मुझे जरा इन वकील साहब से कुछ बात करते। अजी हम भी क्या करता जी, अभी आपको मालूम नहीं,
कल में इधर दो दो नकली शमशेर सिंह आया था। नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर? नहीं नहीं, हम ये नहीं बोला जी, हम भी बिल्कुल धोखा खा गया जी। लेकिन अभी हमको पूरा यकीन है आपके पास कोई ऐसा आइडेंटिटी का कागज होने का जिससे आप ये एस्टैब्लिश करेगा कि आप ही असली शमशेर सिंह है। देखिए साहब, मेरे पास एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे सबूत है, मगर मेरी कोई बात सुने तब तो दिखाइए जी। अभी तो गार्ड नहीं होगा जी, अभी आ जाएगा। ये लीजिए, ये रहा मेरा पासपोर्ट, इसमें मेरा सारा आइडेंटिफिकेशन है। अगर फिर भी किसी को मेरे ऊपर शुभा हो तो मेरे सामने आ जाए। नहीं नहीं, अभी हमको कोई डाउट नहीं रहा जी। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया जी, अभी एस्टेट का असली वारिस हमको मिल गया। अभी हम जायदाद असली वारिस को दे नहीं सकता है। ये सचमुच मेरी बाहें कभी धोखा नहीं खा सकती, तुम्हें तो मैं लाखों में से पहचान सकती हूँ। पिछले दो दिन में तीन आदमियों से यही कह चुकी है। तुम सब कौन हो? तान, मैं मालती हूँ, तुम्हारी मालती। मालती? मेरी मालती? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? डार्लिंग, याद करो, तुम दान, तुम अपने घर में हो, तुम्हारा अपना घर। घर? मेरा अपना घर? मेरी अपनी मालती? नहीं, तुम भगत क्या करे, अपनी आंटी दान, देखो। मेरी अपनी आंटी? देखो अपने आयंगर साहब। आयंगर साहब, इधर इधर अपने वकील साहब, जिन्होंने भैया की वसीयत के बारे में बताया था। अपनी वसीयत? सारे याद करो, भैया की वसीयत, भैया ने अपने ढेर सारी दौलत छोड़ी। दौलत? ये लफ्ज कुछ सुना सुना सा लगता है। हाँ डार्लिंग, ये याद करो, तुम बारूद के साथ एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हाँ, याद है ना? हाँ, मैं अपने बारूद के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। हाँ, अपनी लेबोरेटरी में। तभी बारूद अचानक भड़क उठा। हाँ, एक 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 जोरदार धमाका, फिर जैसे हर चीज ऊपर जैसे हर चीज नीचे 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 आती गई, और मैं दान मालती, मालती में दान, तुम्हारा दान मालती वापस आ गया, तुम्हारा दान मालती इतने सोने चेक की तरह वापस आ गया। शमशेर सिंह ऑफ कंपाला। ओहो, तो आप है शमशेर साहब? अरे जू, सॉरी डियर, वसीयत के मुताबिक मेरे मरने के बाद ही तुम्हें सब कुछ मिलना, लेकिन मैं मरा एक बार मर चुका हूँ, वो काफी है। अब इस दौलत पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, मरने के बाद ले जाते तो ले जाते, जीते जीते बच्चे कौड़ी नहीं लेने दूंगा। 3000 मील का सफर तय करके 3000 मील या 13000 मील क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ मेरा मेरा मेरा, मैं कहता हूँ मेरा, मैं कहता हूँ मेरा, मेरा मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। अभी अभी हमको आपसे फोन किया, अभी हम सारा फॉर्मेलिटी पूरी किया जी, अभी हम जायदाद पूरा कागज करने के बाद में उसका असली वारिस को दे नहीं सकता है। ठीक है, चेक मेरे नाम का बनेगा। कोई बात, चेक मेरे नाम का बनेगा, मेरे नाम का बनेगा, मेरे नाम का बनेगा, मेरे नाम का बनेगा। सारा बात तो सुन लो जी, अभी आप इस काम सारा फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उधर अफ्रीका में एस्टेट ड्यूटी पे किया जी, बैलेंस बचा 30,70,000 रुपया। ठीक है, चेक मेरे नाम का बनाइए, हमारे नाम का बनेगा। कोई बात, चेक हमारे नाम का बनेगा, हमारे नाम का, हमारे नाम का। दोनों को क्या हो गया जी? तो बोलो ना, हमको बोलने का मौका तो दो जी, सारा बात तो सुनता नहीं तो हमारा सारा टैक्स डिडक्ट किया जी। दान साहब, आप काम करने का एक एक भाई दिया जी, अभी बैलेंस बचा 56.70 रुपया। अभी बोलो किसके नाम से चेक बनाऊं? 56 रुपए 70 पैसे? यस मैडम,